दोस्तों आर्टिकल 370 के ऊपर फिल्म आ रही है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, 23 फरवरी को फिल्म आ रही है। आदित्य धर यहाँ पे प्रोड्यूसर है और किसी नए बंदे ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, लेकिन जिस किसी ने भी डायरेक्ट किया है बहुत अच्छा किया है। और ट्रेलर आया है लगभग 2.5 मिनट तक का, और एक चीज़ साफ कह सकता हूँ कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और जो डायलॉग्स वगैरह मैं सुना हूँ इस फिल्म में, इस फिल्म के ट्रेलर में, वो बहुत अच्छे हैं कि POK और अक्साई चीन ये भारत का हिस्सा है, और जो ये नहीं मानता है उसका क्या मतलब है। POK यानी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई किया है कश्मीर को, एक तो वो, और अक्साई चीन नॉर्दर्न कश्मीर का वो हिस्सा है जो इंडिया और चाइना के बीच डिवाइडेड है, और उसके ऊपर भी छिटाखसी चलती रहती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी आलोचनाएं होती रहती है। जैसे कश्मीर विवाद है इंडिया पाकिस्तान का, वैसे अक्साई चीन विवाद है इंडिया और चाइना का। तो मुझे याद आ रहा है कि जब फाइटर फिल्म आई थी तो उसमें POK का एक डायलॉग था ट्रेलर में भी, फिल्म में भी वो यूज़ किया गया था कि POK हमारे इंडिया का हिस्सा है। लेकिन पहली बार किसी फिल्म ने, हिंदी फिल्म ने, मुझे लगता है चाइना का जिक्र किया है, और चाइना ने जो कैप्चर किया है इंडिया का हिस्सा उसका जिक्र किया है। मेरे ख्याल से ये इस ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है। और यहाँ पे यामी गौतम है, और मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि मुझे क्या अच्छा लगा या कैसा ये ट्रेलर है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जिस तरह से इस ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है, मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ थिएटर में, और मुझे उम्मीद है कि जब फिल्म आएगी तो बहुत चलने वाली है। तो आपको ये ट्रेलर कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ट्रेलर काफ़ी लाजवाब लगा है, काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा है, और मुझे लगता है 5 में से 4 स्टार डिज़र्व करता है हाल में।